का ऐतिहासिक मंदिर परमट का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बना ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। परमट मंदिर के महंत श्याम गिरी महाराज ने बताया कि उस समय में यहाँ पर एक विशाल टीला हुआ करता था, जिसके पास कई गायें चरने आती थी। तभी कानपुर के पुराना सीसामऊ निवासी जमींदार गोकुल प्रसाद मिश्रा की गायें भी यहाँ चरने आया करती थी। उन गायों में से एक आनंदी गाय दोपहर में चर कर आने के बाद दूध नहीं देती थी, जिस पर जमींदार गोकुल प्रसाद ने चरवाहे से उस गाय पर निगाह रखने के लिए कहा। शाम को चरवाहे ने गोकुल प्रसाद मिश्रा जी को बताया कि आनंदी गाय उस टीले पर जाकर बैठती है और जब शाम को चलने के समय अपना सारा दूध उस टीले पर गिरा देती है। जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ तो जमींदार स्वयं उस टीले को देखने गए और जब जमींदार ने अपनी आंखों से गाय को दूध गिराते देखा तो वहां पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान महात्मा आनंदगिरी महाराज से जमींदार ने पूरा प्रकरण बताया तो उन्होंने कहा कि वहां पर कोई देव विराजमान है। फिर जमींदार ने रहस्य को जानने के लिए उस टीले पर खुदाई कराई। 2 दिन की खुदाई के बाद उस टीले से 2 शिवलिंग निकले, जिसमें से एक शिवलिंग को जमींदार ने सीसामऊ में वन में स्थापित किया, जिसका नाम बलखंडेश्वर पड़ा। दूसरा स्वयं भू शिवलिंग मिला, जिसको यहीं पर स्थापित कर दिया गया। जमींदार गोकुल प्रसाद मिश्रा ने रुद्राभिषेक कराने के बाद मंदिर का निर्माण कराया और महात्मा आनंद गिरी महाराज के नाम पर उक्त मंदिर का नाम आनंदेश्वर पड़ा। करीब 250 वर्ष पहले जमींदार गोकुल प्रसाद मिश्रा ने मंदिर का संचालन गुरु और शिष्य की परंपरा के अनुसार संचालन का निर्णय लिया, जिसके बाद गुरु और शिष्य की परंपरा के अनुसार मंदिर का संचालन सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें गुरु अपने जिस शिष्य का पट्टा अभिषेक करके वसीयत करता था वही शिष्य गुरु के शरीर छोड़ने के बाद मंदिर का संचालक होता है, जो कि आजीवन होता है। इसी तरह 1945 में महेश गिरी महाराज आनंदेश्वर मंदिर के महंत थे, तभी कुछ क्षेत्रीय लोगों ने आनंदेश्वर ट्रस्ट कमेटी बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी लड़ाई महंत महेश गिरी महाराज ने हाईकोर्ट इलाहाबाद तक लड़ी, जिसमें 1969 में माननीय हाईकोर्ट द्वारा महंत महेश गिरी महाराज के पक्ष में फैसला हुआ और ट्रस्ट को खारिज करके मंदिर के संचालन की व्यवस्था दी गई कि गुरु दर शिष्य की परंपरा के अनुसार मंदिर का संचालन होगा, जिसके बाद दशरथ गिरी महाराज मंदिर के महंत हुए, जो 1974 तक महंत रहे। वो महेश गिरी महाराज के शिष्य थे। इसके बाद दशरथ गिरी महाराज के शिष्य लहर गिरी महाराज 1984 तक महंत रहे। इसके बाद इनके शिष्य चतुर गिरी महाराज 1994 तक मंदिर के महंत रहे। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य श्याम गिरी महाराज को वसीयत पर पट्टाभिषेक करके महंत घोषित किया, जिसके बाद श्याम गिरी महाराज मंदिर का स्वतंत्र रूप से संचालन करते रहे, जिसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसके बाद सन 2011 में महंत श्याम गिरी और उनके शिष्य अमर कंटक गिरी उर्फ रामदास में विवाद हो गया, जिस पर श्याम गिरी महाराज ने संतों की संस्था श्री पंच दस नाम जूना अखाड़ा से व्यक्तिगत मदद मांगी और आग्रह किया कि उनका स्वास्थ्य खराब है और शिष्य से विवाद चल रहा है, इसलिए 2 साधुओं को मदद के लिए भेज दिया जाए जो मंदिर की देखरेख कर सकें, जिसकी लिखा पढ़ी भी हुई कि गुरु शिष्य का विवाद निस्तारित होने तक जूना अखाड़ा के 2 साधु रमेशपुरी और रामानंद गिरी मंदिर की देखभाल करेंगे। इसी बीच सन 2019 में रामानंद गिरी जी और 2020 में रमेशपुरी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद जूना अखाड़ा द्वारा जबरन 4 साधु मंदिर के लिए देखरेख के लिए भेज दिए गए, जिस पर श्यामगिरी महाराज द्वारा कड़ा विरोध जताया गया, लेकिन जूना अखाड़ा ने महंत जी की एक न सुनी, जिसके बाद श्याम गिरी महाराज और उनके शिष्य अमरकंटक गिरी के बीच आपसी समझौता हो गया, जिस पर पूर्व में तय अनुसार श्याम गिरी महाराज द्वारा जूना अखाड़े को पत्र लिखकर मंदिर में जबरन रह रहे जूना अखाड़े के साधुओं को वापस बुलाने का आग्रह किया गया, लेकिन जूना अखाड़ा द्वारा दबंगई से मंदिर में कब्जा करने की नीयत से हरिगिरी महाराज, प्रेमगिरी महाराज व इच्छागिरी महाराज के नेतृत्व में जूना अखाड़े के 2 दर्जन साधुओं ने मंदिर में धावा बोल दिया, जिसमें परमट मंदिर के कर्मचारियों, भक्तों और क्षेत्रीय लोगों ने पुरजोर विरोध किया और पुलिस कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक मामले की शिकायत की। मैं महंत श्याम गिरी श्री बाबा आनंद सर मंदिर परमठ कानपुर का है। तो मंदिर का प्रकरण चल रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? मंदिर का प्रकरण ये है कि श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के अंतर्गत ये अखाड़े का स्थान नहीं है, हमारा स्थान हम अखाड़े के सदस्य हैं। अखाड़े का कर्तव्य है कि हमारे क्षेत्र में शामिल
तो जब हमारी उत्पत्ति आए तो हमारा मरण नहीं होकर और हमारी बुद्धि में हम सब में शामिल हो तो अभी जो यहाँ 11 मिनट कुछ विवाद हो गया था हमारा तो कुछ में हमने अकाली को बुलाया तो अकाली ने एक कागज लिया था कि जब तक आपका विवाद चलेगा तब तक हम लोग यहाँ से अब हमारा विवाद समाप्त हो गया अब अकाली को यहाँ से चलाएगा मतलब अखाड़ा जो है वो आपकी परमिशन पे यहाँ काम देखने के लिए आपने देखा था या। और जब आपका विवाद अब निस्तारित हो गया है तो आप चाहते हैं कि आप स्वयं और आपके ऐसे से देखें चलाएं और अकाला अब इस बीच में अखाड़ा मालिक बन गया ये लोगों को पता जा रहा है कि ये अखाड़े का स्थान है और अखाड़ा यहाँ पर मेहनत की नियुक्ति करता है जबकि ऐसा परम्परा में मालिक गुरु के बाद में चेला बच्ची पर यहाँ का मेहनत होता है और जिसको गुरु बच्ची कर आती है उसको चेला हो ज़्यादा से लगती है तो ये जूना अखाड़ा यहाँ जबरन क्यों कब्जा करना चाहता है लालच क्या लालच है उसका लालच ये है कि एक बड़ा स्थान है और पूरे भारतवर्ष में और कानपुर बीच सेंटर है अंग्रेजों की तरह डालो राज करो और यहाँ चारों तरफ के लिए और बड़ा स्थान है चल बना ले हरिद्वार बीच में रुकने का साधन हरिद्वार का उनको आराम तो जूना अखाड़ा के लोगों ने क्या कोई आपसे अभद्रता भी की या कोई धमकी वगैरह भी की और सदा यही किए गए उनका कहना यह है जो हम दे रहे हैं वो और जो आपके साथ में यह अन्याय हो रहा है इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है और क्या सोच जो हमने उन्हीं से कहा है और उन्हीं से शिकायत की है और अब वो अन्याय करेंगे तो हम साथ में ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ अब भारत